हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ये एक दो दिन के अंदर माहौल बना हुआ है फिजिकल का, वो आपका सब कुछ यहाँ पर ये मान लो कि आप अनबैलेंस हो चुका है। ठीक है, अभी सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर, सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर फिजिकल देने वाले थे जिनका नहीं हुआ था, वो यहाँ पर अब टेंशन में है कि उनका फिजिकल का क्या होगा, क्या उनका पोस्टपोन होगा या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट क्या आप दोबारा बनवानी होगी। तो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, साथ में ग्राउंड्स की भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्या हाल है। आप सभी को क्या करना है, पेशेंस के साथ में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथियों। चलिए, पॉइंट द पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी ग्राउंड्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों। सभी ग्राउंड्स के अंदर अभी पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। कल भी आपके फिजिकल हुए थे, यानी कि 14 को आपका जब फिजिकल हुए थे उसके अंदर भी कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आप सभी को यह मैं बता देता हूं कि आपके जो ग्राउंड है वो अब यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे, यानी कि उनमें मिट्टी वगैरह डाल के या फिर कुछ से भी करके उसकी यहां पर अब क्या हो जाता है कि पानी भर जाने से वहां पर चिकनाई हो जाती है। ठीक है, चिकनाई हो जाती है जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं यहां पर गिर जाते हैं और यहां पर चोट मोट लगने की उनको यहां पर खतरा रहता है। तो ऐसे में आपको लिए क्या किया जाएगा, आपका फिजिकल जो पूर्ण रूप से यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है, वो अभी आप साथियों का आज का फिजिकल नहीं है। आपको आज ही पता चला कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, यानी कि एक दिन लग रहा है किसी को, दो दिन लग रहा है यहाँ तक दिल्ली में पहुँचने के लिए। अदर कैटेगरी जो स्टेट से स्टूडेंट आ रहे हैं उनको, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए यहाँ पर ये गलत बात भी है। लेकिन अब क्या क्या किया जा सकता है इसका, ये तो आप सभी को पता कि नेचुरल प्रॉब्लम है। आप सभी का ऐसा तो है नहीं कि ये कोई डिपार्टमेंटल आपका इशू आ गया हो, आप सभी को पता है, आप सभी कोऑपरेट करें। लेकिन सभी साथियों के लिए एक गुड न्यूज़ हो गई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फिजिकल पोस्टपोन कर दिए हैं ना आज, यानी कि 15 जुलाई वाले कैंडिडेट्स का, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको एक तो एक से दो दिन के अंदर ही वापस बुला लिया गया हो, आपको डायरेक्ट यहां पर आपका 27 जुलाई को फिजिकल है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आप एक तरीके से जिन कैंडिडेट्स की यहां पर तैयारी नहीं थी ना, उनके लिए तो गुड न्यूज हो सकती है। ठीक है, और जो साथी अपनी जो तैयारी वो परिपूर्ण यहां पर करके आए थे, जिनको फिजिकल का कोई भय नहीं था, तो उनके लिए यहां पर क्या हो जाता है कि इतनी दूर से आए हैं, उनके पैसे भी लगे हैं, यहां पर रहने के लिए भी एक दो दिन पहले पहुंचे होंगे वो, तो यानी कि बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो मैं समझ सकता हूं एज ए स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर अभी आप सभी को क्या करना है, कोऑपरेट करना है। जिनका भी फिजिकल जो है वो नहीं हुआ है ना 15 जुलाई को, जिनका फिजिकल है वो आप सभी साथी हैं वो वापस चले जाना। अभी आपको यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स यहां पर पूछते हैं कि सर यहाँ पर दिल्ली में रुकने की जगह है क्या, कि हमारा 15 जुलाई को फिजिकल था, हम आप क्या करें। तो अभी आप सभी इतने दिनों तक रुक कर यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने घर जाइए आराम से और जो अपनी तैयारी उसको और अच्छी तरीके से बेहतरीन कीजिए। ओके, आप सभी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप आओगे ना, आपके ग्राउंड जो वो आपको वैसा ही मिलेगा जैसा मतलब पहले जो फिजिकल होते थे ना उस टाइम पर, यानी कि सूखा हुआ मिलेगा और आपको जो सही है वो क्लियर ग्राउंड है। यानी कि एक हिसाब से देखें ना तो बारिश के कारण क्या हो जाएगा, आप ग्राउंड है वो जम जाएगा। ठीक है, जो भी मिट्टी थी ना उसके अंदर वो जम जाएगी, क्योंकि जो पिछले जो फिजिकल ना उस टाइम पर तो यहां पर बारिश हुई नहीं थी, तो यहां पर क्या था उनके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी थी, तो ऐसे में कैंडिडेट्स को यहां पर दौड़ लगाने के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आप सभी को लिए क्या हो जाएगा कि ग्राउंड सही हो जाएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। वो ये है कि अब सबसे ज़्यादा ये डाउट बना हुआ है वो ये है कि 16 वालों का क्या होगा, यानी कि कल वालों का क्या होगा। साथियों, आप सभी का डाउट बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आप सभी ने देखा आज 15 जुलाई वालों का ही बेचारों को आज यहाँ पर पता चला है कि आज के ही दिन, यानी कि प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसी टाइम पर इनको पता चला कि इनका फिजिकल जो वो पूर्ण रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है, आज फिजिकल नहीं है। तो ऐसे में 16 जुलाई वालों को यहाँ पर पूर्ण रूप से दिमाग ही उनका खराब ही हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। अभी आपको क्या करना साथियों, अभी आपको पेशेंस रखना, देखिए पेशेंस रखना, जो आ गए हैं ना दूर से तो वो तो आ गए हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। ठीक है, नोटिस जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अनुमान तो होता है कि बारिश कई कितने दिनों तक रहेगी। आप सभी को यह भी पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर तो यहाँ पर जो मतलब ये सारा का सारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट को तो पहले से भी अनुमान रहता है कि मौसम का क्या हो सकता है, कितनी बारिश हो सकती है, उस हिसाब से। आप सभी को पता है कि मानसून का आगमन हो चुका है, तो मानसून के हिसाब से तो बारिश का उनको पता होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई नोटिस डालकर आपको बता दी जाए कि यानी कि 2 से 3 दिन जो फिजिकल है वो आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब देखिए रिजर्व डे का देखा जाए ना, तो 27 जुलाई से आपके रिजर्व डे स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अभी आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि रिजर्व डे है वो आपके 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज वाले कैंडिडेट्स का पोस्टपोन करके यहाँ पर 27 जुलाई के दिन डाला गया है। अब ठीक है, अब जो दिल्ली पुलिस के जो 16 तारीख को जिनका भी फिजिकल है ना, वो अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको बने रहना। साथ में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपको अपडेट मिल जाएगी। और साथ में आपको क्या कर लेना है, अभी आपको जो भी यहाँ पर कैंडिडेट पहुँच गए हैं या फिर नज़दीक के हैं उनको तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ जाएंगे बाद तक भी, लेकिन जो कैंडिडेट दूर से आ गए ना वो एक बार यहीं पर रहना, क्योंकि पता नहीं चलेगा साथियों कि ऐसा मत सोच लेना कि आज वालों का पोस्टपोन होगा तो कल वालों का हो जाएगा, तभी तो कोई अपडेट नहीं है। अभी जो आपको जैसी अपडेट आती है वो बता दी जाएगी।
अन्यथा तो साथियों आपको और कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि 15 जुलाई वाले कैंडिडेट्स ने भी वेट किया है। तो आप सभी को यहाँ पर पेशेंस के साथ में बने रहना है। साथ में ये जो डाउट है ना, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ उन साथियों का कि यहाँ पर जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो दोबारा बनवानी होगी या नहीं। देखिए अभी अगर आपके ना, अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो अगर जैसे कि 16 जुलाई को कल फिजिकल होता आपका, ठीक है, अभी फिजिकल होता तो आपको क्या हो गया, आपने तो अपने हिसाब से 3 दिन पहले करवाई थी, ठीक है, अपने हिसाब से 3 दिन पहले करवाई थी, तो आपका अगर 1-2 दिन के अंदर पोस्टपोन होता तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रैपिड टेस्ट काम चल जाता। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जो आपका फिजिकल है ना वो यहाँ पर कब हो गया, 10 से 12 दिन बाद में, यानी कि लगभग 12 दिन बाद में आपका फिजिकल है। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियरली समझ लेना कि 12 दिन बाद में आपका फिजिकल है। तो ऐसे में तो आपकी जो आरटीपीसीआर आपने करवाई थी वो यहाँ पर रद्द हो जाएगी साथियों। आप सभी को जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है दोबारा करवानी होगी, ठीक है, दोबारा करवानी होगी। अभी तक का तो यही अपडेट देना चाहूँगा मैं साथियों को कि आपको जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो यहाँ पर 90% चांसेज हैं कि दोबारा करवानी होगी, या फिर ऐसा गाइडेंस कोई आ जाए कि साथियों जो भी आपका आरटीपीसीआर करवा ली थी उसका अब रैपिड टेस्ट है काम चल जाएगा, क्योंकि जो है उनको नेगेटिव कैंडिडेट्स ही है, क्योंकि आप सभी को पता 10 से 12 दिन के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नया क्रिएट हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो आपको देखिए 90% तो चांसेज हैं कि आपके दोबारा होगी, और 10% चांसेज हैं क्योंकि आप सभी का पहले भी जो रैपिड टेस्ट से काम चलाया गया है, तो 10% चांसेज हैं कि आपके जो वो रैपिड टेस्ट से भी काम चला लिया जाए। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर लेना। उसके बाद में जिन भी साथियों का अब नहीं हुआ ना, जिन भी साथियों का पोस्टपोन हुआ है, जैसा कि आपको पता कि 13 जुलाई वालों का भी यहाँ पर 16 जुलाई के दिन होना था क्योंकि उनको 16 जुलाई के दिन बुलाया गया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, उन कैंडिडेट्स को दोबारा से रिपोर्ट नहीं बनवा के लानी है। अब 13 जुलाई का जिनका भी लॉन्ग जंप नहीं हुआ था, हाई जंप नहीं हुआ था, या फिर जो कैंडिडेट का फिजिकल नहीं हुआ था ना, उनको 16 जुलाई को बुलाया गया था, तो अब क्या होगा कि उनका तो है ना अभी पता चलेगा कि आपका 16 जुलाई को फिजिकल पोस्टपोन करते हैं या नहीं। अगर ग्राउंड की सिचुएशन सही रहती है या फिर आज का जो मौसम है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर सही रहता है तो हो सकता है आपके चांसेस हैं कि आपका कल जो फिजिकल है 16 जुलाई को वो करवा दिया जाए। ओके, अब जिनका फिजिकल पोस्टपोन कर दिया गया है 27 जुलाई को, उनके लिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा वो अपना है ना फोकस है वो रेस के ऊपर और लॉन्ग जंप के ऊपर अपना पूरा रूप से फोकस कर दीजिए, और तीसरा कर दीजिए अपनी चेस्ट के ऊपर, ठीक है, यही जो पॉइंट है ना वो आपको बाहर निकलवा सकते हैं। अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, जिनका यहां पर कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हमारा तो ड्राइविंग लाइसेंस आने में, हमारा तो फिजिकल तो हो गया 16 को, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आएगा यहां पर 20 तक, यानी कि 2 से 4 दिन जिनका लेट हो रहा था ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो यहां पर बनवा लेना भाई, ड्राइविंग लाइसेंस अपना उपलब्ध करवा लेना, अवेलेबल करवा लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऐसे में देखे जाए ना तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव हिसाब से देखा जाए तो। अब आपके लिए कुछ के लिए नेगेटिव हो जाता है, कुछ के लिए पॉजिटिव। जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर 1-2 दिन ही प्रॉब्लम था उनके लिए पॉजिटिव है, जिनकी तैयारी नहीं था उनके लिए पॉजिटिव है, जिनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, सारी तैयारी भी थी, पूर्ण रूप से यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पर आए थे, उनके लिए यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन फिर भी साथियों अगर आपको टाइम मिला ना तो उसका आप जो वो 100% पॉजिटिव है यूटिलाइज करना, आपको अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप सभी के लिए फिजिकल के लिए कुछ टाइम मिला है तो आपके लिए अच्छी बात होगी। मानते हैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा खर्चा हुआ, आपको यहाँ पर आने में प्रॉब्लम भी हुई है, इशूज भी होते हैं, रैपिड टेस्ट भी आपको करवाना था, या जो सॉरी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी आपने करवाया है, तो बहुत से इशूज होते हैं जैसे कि आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है फेस करने पड़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। बाकी आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ तो ये है कि आपको ऐसे मैदान के अंदर जो वो यहाँ पर फिजिकल नहीं करवाया गया, आपका पोस्टपोन कर दिया गया, ये अच्छी गुड है, ठीक है, गुड न्यूज है, वरना फिर यहां पर कैंडिडेट वो कर ही नहीं पाते। तो आप सभी जो हो इस चीज को लेकर आप सभी पॉजिटिव हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज है। ओके, अभी आप सभी साथियों को जो भी अपनी कमजोरी है उसको परिपूर्ण रूप से करके दोबारा से यहां पर आना ग्राउंड के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लिया करो, आपको पता ही नहीं चलता कि कब वीडियो आ गया है, आप सभी फिर वही चीज पूछते रहते हो जो वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दी गई। तो आप सभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर करना। ओके, आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।